टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अपने क्रश के बारे में फैंस को बताया है। गल्फ ऑयल इंडिया के एक प्रमोशनल इवेंट में धोनी ने अपने दिल की बात शेयर की। इस इवेंट में धोनी ने उनके पहले क्रश के बारे में जब उनसे पूछा गया तो धोनी ने पहले कुछ संकोच दिखाया और फिर अपने पहले क्रश का राज सबके सामने खोल दिया। इस दौरान धोनी ने खुद ही बताया कि जब वो 12वीं में पढ़ते थे तो स्वाति नाम की एक लड़की पर उनका क्रश था। ये 1999 की बात है। नाम बताने के बाद धोनी ने सभी से कहा कि वे राज उनकी पत्नी साक्षी के सामने न खोला जाए, लेकिन साक्षी के पास चिंता करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि धोनी पिछली बार स्वाति से 1999 में मिले जब वो 12वीं कक्षा में थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान के अलावा धोनी अपनी जिंदगी के बारे में भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। धोनी के बारे में ये बात तो सबको पता है कि उन्होंने साक्षी से लव मैरिज की है। अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले धोनी अपना अधिकांश समय क्रिकेट से दूर अपने परिवार के साथ ही बिताते हैं। वो 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और 2017 जनवरी में उन्होंने भारतीय टीम की वनडे और टी20 की कप्तानी भी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का मुख्य स्पॉन्सर गल्फ ऑयल इंडिया है। टीम की जर्सी पर भी इनका लोगो दिखाई पड़ता है। धोनी समेत टीम के कुछ सदस्य हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे और जमकर मस्ती भी की। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।